अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आसम ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑनलाइन HPL रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस है, जिसमें आप लोग यहां बैरून मुल्क रहकर भी अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने HPL ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ऐप का जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये आप देख सकते हैं। तो आपने नीचे यहाँ पर जो लिखा हुआ है रोशन डिजिटल अकाउंट, आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वाले पेज पर आपने यहाँ इसको अप्लाई नाउ कर देना है। तो नेक्स्ट पेज होगा, इसमें आपको आपके मोबाइल में जो ईमेल होगी, जिस पे जो आपके मोबाइल में इस टाइम ऑन होगी ईमेल, वही ईमेल आपने यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ मुझे OTP रिसीव हो चुका है, तो मैं ये OTP यहाँ पर आके इसको डाल देता हूँ। तो नेक्स्ट एक आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, आपका होगा यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो पूरी यहाँ पर फिल करनी, तो जिसमें आप टाइटल, अपना फुल नेम और बाकी जो भी डिटेल होगी आपने यहाँ पर इसको फिल कर लेनी है। तो मैं ये अपनी जो डिटेल है यहाँ पर इसको फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, मैरिड स्टेटस लिख आपने यहाँ पर दे देना है। ID में यहाँ पर आपने पहले CNIC सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो आपका अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर है आपने वो यहाँ पर डाल देना है। तो नेक्स्ट आप लोग जो उसकी डेट इशू डेट होगी वो भी आपने यहाँ पर इसमें डालनी है। इसके बाद आपने पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपने पाकिस्तान कर देनी है। कंट्री ऑफ रेजिडेंट, जिस कंट्री में अभी आप करंटली रहते हैं वही आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपने पाकिस्तान, अगर आप नेशनल पाकिस्तान कर देना इसको। यहाँ पर आपने अपना ऑक्यूपेशन, जो प्रोफेशन है आपने वो चूज़ कर लेना है। ये आपके सामने नीचे लिस्ट आई है, अगर नहीं तो आपने इसको अदर करके कोई आपका दूसरा कोई प्रोफेशन है तो वो आपने यहाँ पर इसको जो है फिर कर लेना है। यहाँ पर नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, ऊपर आपने जो कंट्री डायलिंग कोड है, जिस कंट्री का कोड है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके नीचे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। नीचे ये रेजिडेंट एड्रेस जो है वो आपने देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये नीचे एक जिप कोड जो है वो रिक्वायर्ड कर रहा है, तो आपका जो पोस्टल कोड होगा वो आप जिस सिटी का भी पोस्टल कोड, जहाँ पर आप रहते हैं उस सिटी का आप गूगल के ऊपर रिसर्च करेंगे तो वहाँ से आप अपना आपका जो कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर इसमें कोड भी डाल देना है। नीचे जो वर्क एड्रेस है ये ऑप्शनल, इसको आप छोड़ दें, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें। नीचे ऑफिस जो कंट्री, इसको भी आप छोड़ दें। अकाउंट डिटेल में आपने यहाँ पर जो अकाउंट टाइप है उसको रोशन डिजिटल कर देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर तो आपने इसको यस कर देना है। तो यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, जो नेम आप यहाँ लिखेंगे वही आपके डेबिट कार्ड के ऊपर भी मेंशन होगा। तो नीचे आपने इसको सेव एंड नेक्स्ट जो है वो कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो इसमें आपने फिल करनी है, जैसे कि नेम ऑफ कंट्री, इसमें आपने पाकिस्तान कर देना है। यहाँ पर जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन है आपने यहाँ पर इसको फर्स्ट जो ऑप्शन है वही करना है। तीनों में आपने सेम ही वही जो आपने पहला किया है वही आपने तीनों में सेम कर देना है। तो नेक्स्ट आपने इसको फिर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपने नेम ऑफ एम्प्लॉय या कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं, या अगर कोई बिजनेस वगैरह आपका है तो वो बिजनेस नेम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन नीचे आपने डेजिग्नेशन में अपना जो प्रोफेशन है, जो आप जो काम कर रहे हैं वो आपने यहाँ पर इसमें लिखना है। तो यहाँ पर आप नेचर ऑफ बिजनेस आपका यहाँ है तो वो लिखें, नहीं तो अदर कर सकते हैं। और नीचे एक्सपेक्टेशन, जो सैलरी है आपकी मंथली, जो सैलरी ले रहे हैं वो आपने यहाँ पर डालनी है। सोर्स ऑफ फंड आपने सैलरी कर दे आपने करना है। तो नेक्स्ट आप करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो, आपसे ये कुछ डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड कर रहा है, जिसमें आपका पासपोर्ट, आपका वीज़ा, वीज़े वाला जो पेज होगा वो आपको रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद आपकी जो नेशनल ID होगी, जिस कंट्री में आप रहते हैं, या उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक सिग्नेचर करना है, एक साफ एक क्लीन आपका एक पेज होगा, उस पर एक सिग्नेचर करें। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो 2 दिन के बाद वो वेरीफाइड करने के बाद वो आपको जो वो ईमेल करेंगे, जिसके बाद आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं फिल कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद मैंने इसको आगे नेक्स्ट किया, तो मेरे सामने ये कुछ इस तरह से एक पेज आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आपका 2 दिन के बाद हम इसको चेक करेंगे, वेरीफाइड करेंगे, करने के बाद ही आपको जो है वो ईमेल करेंगे, जिसमें आप अपना जो अकाउंट आपका वेरीफाइड हो जाएगा। तो 2 दिन के लिए मुझे यहाँ पर वेट करना होगा। तो इसमें यह मेरा जो अकाउंट नंबर है, जो रेफरेंस ID वगैरह भी है, जो सारा कुछ डिटेल उन्होंने मुझे यहाँ पर शो कर दिया है। तो 2 दिन तक जो है वो मुझे ईमेल आ जाएगी, जिससे मेरा अकाउंट जो है वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसी तरीके से यहाँ पर अपना जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। इस तरह की और भी अगर आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।